तो आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा। तो यहाँ पर हमने एक लौकी ले लिया है, तो इसे हम छील लेंगे। छील कर हम कद्दूकस करके ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए कद्दूकस के करके पहले रख लिया था, तो इस तरह से हमने किया है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। तो इसका जो बीच वाला पार्ट है उसे हम किसी यूज में ले लेंगे सब्जी वगैरह के, और इसका किनारे के पार्ट का हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कढ़ाई ले रहे हैं, कढ़ाई में हम घी डालेंगे। तो घी लगभग हम 2 चम्मच भर भर के लेंगे और घी को मेल्ट होने देंगे। तो घी हमारा मेल्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हमने 2 से 3 चम्मच भर भर के घी लिया है। तो घी से ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी और हलवा भी हमारा अच्छा बनेगा, तो इसीलिए मैंने 3 चम्मच घी लिया हुआ है। तो इसी में हम कद्दूकस किया हुआ लौकी हम डाल देंगे इसमें। तो लौकी को हम डालकर इसे हम भूनेंगे। तो इसे हमें 5 से 6 मिनट तक भूनना है। तो इसे हम धीमी ही आंच पे भूनेंगे, जिससे लौकी में सौंधापन आए और ये खाने में भी अच्छी लगेगी। इस तरह आप मीडियम फ्लेम में भूनेंगे तो ये अच्छे से भून जाएगी और कुक हो जाएगी। तो इसे हम धीरे धीरे भूनेंगे इसी तरह। और यहाँ पर ये देखिए लौकी हमारी भून चुकी है, तो इसमें अब हम ऐड करेंगे दूध। तो ये देखिए लौकी हमारी घी में अच्छे से भून चुकी है और इसकी क्वांटिटी भी कम हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 कप दूध लिया है, तो दूध को इसी में डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो इसे हम भूनेंगे, तो दूध को हम पकाएंगे लौकी में। तो ये देखिए यहाँ पर दूध थोड़ा गाढ़ा हो चुका है हमारा हलवा, तो इसे हम और अभी पकाएंगे। इसी तरह मीडियम फ्लेम पर ही हमें पकाना है, हमें हाई या लो फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर नहीं करना है, लो ही फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। तो धीरे धीरे ये देखिए गाढ़ी हो रही है हमारी लौकी। और यहाँ पर हम चीनी ऐड कर देंगे। तो चीनी हमने यहाँ पर लिया हुआ है 1 कप छोटे कप से। तो यहाँ पर हम चीनी को मिक्स कर देंगे और चीनी भी इसी में हमारी मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए चीनी हमारी मेल्ट हो गई है, तो धीरे धीरे ये पतला हो रहा है हमारा हलवा। तो इसे हम इसी तरह पकाएंगे और भूनेंगे। यहाँ पर हम इलायची डाल देंगे। और वीडियो हमारा पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो यहाँ पर ये देखिए हलवा हमारा पक चुका है, बन चुका है। तो यहाँ पर हम काजू बादाम डाल देंगे इसमें कट करके। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, तो ये बहुत ही अच्छा हलवा बनकर हमारा तैयार हुआ है। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पर ये देखिए हमने सर्व कर लिया है, यहाँ पर काजू बादाम लगा दिया है थोड़ा सा। तो ये हलवा बनकर तैयार है हमारा। तो मैं दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना।